तो अब ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हुआ है इस 10 कदम कबड्डी टूर्नामेंट का, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर आज यानी 10 मार्च 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। अब अंबे कबड्डी एकेडमी की तरफ से 12 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड, एम्प्टी रेड, एक नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से थाई होल्ड की कोशिश, रेडर ने खुद को सेफ किया, पॉइंट मिला एक और नजफगढ़ स्टेडियम को। इस बार रेड पर आई थी अम्बे कबड्डी स्पोर्ट कबड्डी एकेडमी की 4 नंबर जर्सी खिलाड़ी आउट हुई, पॉइंट मिला एक और नजफगढ़ स्टेडियम को। 7 नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम के लिए, एम्प्टी रेड, 5 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड है अम्बे कबड्डी एकेडमी और एक पॉइंट मिला अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 1 नंबर जर्सी खिलाड़ी की सर्विस की रेड नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से, थोड़ा सा कंट्रोल बिगड़ा रेडर का, तेज रेड अंबे कबड्डी एकेडमी की तरफ से, एक नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से डू और डाई रेड, चेन बनाई 5 और 12 नंबर जर्सी खिलाड़ी ने, रेडर आउट किया, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 4 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड अम्बे कबड्डी के एकेडमी की तरफ से, बहुत अच्छा टच, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया, आउट हुई लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी और पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को, एक और पॉइंट मिला। 1 नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम के लिए और लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया, आउट हुई रेडर, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 12 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड अम्बे कबड्डी एकेडमी के लिए, आउट हुई 6 नंबर जर्सी की खिलाड़ी, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को, रेडर आउट, एक पॉइंट और मिला अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 1+2 3 पॉइंट मिले अम्बे कबड्डी एकेडमी को, लोना लगाया अम्बे कबड्डी एकेडमी ने। अब नजफगढ़ की स्टेडियम की तरफ से 1 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की सर्विस, चेन बनाई, कंबाइन हुए 5 नंबर और 12 नंबर जर्सी की खिलाड़ी, रेडर को आउट किया, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 11 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड अम्बे कबड्डी एकेडमी के लिए, आउट हुई 8 नंबर जर्सी की खिलाड़ी नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से, पॉइंट मिला अम्बे कबड्डी एकेडमी को। 7 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम के लिए और बहुत तेज रेड थी, टच किया 7 नंबर जर्सी खिलाड़ी को, एक पॉइंट दिलाया अम्बे कबड्डी एकेडमी को और 7 नंबर जर्सी खिलाड़ी आउट हुई नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से। 1 नंबर जर्सी की खिलाड़ी की सर्विस नजफगढ़ स्टेडियम के लिए,
एम्प्टी रेड, चार नंबर जर्सी की खिलाड़ी की सर्विस की रेड है। अंबे कबड्डी एकेडमी के लिए टाइम आउट लिया गया नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से। किसी का आधार कार्ड गिरा हुआ है तन्नु, तो टाइम आउट के बाद अब खेल शुरू हुआ है। पिताजी का नाम है इसके, चार नंबर जर्सी खिलाड़ी है कृष्ण कुमार नजफगढ़ स्टेडियम के लिए। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और एसएस एकेडमी छावला के बीच मैच होगा, दोनों टीमें तैयार रही है। एम्प्टी रेड, रेडर आउट, पॉइंट मिला अम्बे स्पोर्ट्स एकेडमी को। 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड अम्बे स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। रेडर आउट, इस बार पॉइंट मिला, सुपर टैकल था, दो पॉइंट मिले नजफगढ़ स्टेडियम को। एक नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड पर है नजफगढ़ स्टेडियम की तरफ से। आउट हुई, सात नंबर जर्सी खिलाड़ी, पॉइंट मिला नजफगढ़ स्टेडियम को। चार नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड, और आउट हुई छह नंबर जर्सी की खिलाड़ी, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और एसएस एकेडमी छावला, एक नंबर जर्सी की खिलाड़ी की सर्विस की रेड नजफगढ़ स्टेडियम के लिए। लेफ्ट कॉर्नर की कोशिश थी, एंकल होल्ड करने ही खुद को सेफ किया, रेडर ने, पॉइंट मिला नजफगढ़ स्टेडियम को। चार नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड, रेडर से एक पॉइंट मिला अम्बे कबड्डी एकेडमी को। एम्प्टी रेड, चार नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड अम्बे कबड्डी एकेडमी के लिए। आउट हुई एक नंबर जर्सी खिलाड़ी, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। सात नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड नजफगढ़ स्टेडियम के लिए। एम्प्टी रेड, पांच नंबर जर्सी खिलाड़ी की रेड अम्बे कबड्डी एकेडमी के लिए। एम्प्टी रेड, डोर डाई रेड, आउट हुई रेडर, पॉइंट मिला एक और अम्बे कबड्डी एकेडमी को। बारह नंबर जर्सी की रेड, अब दो खिलाड़ी आउट किए, बहुत अच्छा डुबकी लगाकर सेव किया खुद को रेडर ने, दो पॉइंट मिले, लोना लगाया अम्बे कबड्डी एकेडमी ने। इस बार खुद को डुबकी लगाकर सेव किया रेडर ने, पॉइंट दिलाए दो नजफगढ़ स्टेडियम को। इसी के साथ पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ।